हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूमीज म्यूजिक कुकिंग एंड क्राफ्ट। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक फोटो फ्रेम। तो फोटो फ्रेम के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड, और चाहिए हमें ग्लू, कुछ लेसेस, और चाहिए हमें कुछ बीड्स, और चाहिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिस्ता का शेल्स रखे हैं, और हमें चाहिए एक्रेलिक कलर और ब्रश, सीजर। ये जो कार्डबोर्ड, बड़ा साइज़ के कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने ओवल शेप में ड्रॉ कर लिया था और फिर कट कर लिया इसको। और इसके बाद इसको पतला सा जैसे यहाँ पे छोड़ के बॉर्डर, और मैंने इसको दोबारा कट कर लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा पोर्शन जो है जॉइंट हो रखा है कि ये ऐसे आराम से खुल जाए, कि इसके बीच में हम आराम से फोटो लगा सके। और पीछे से मैंने एक स्टैंड लगा दिया है। तो अब इसके ऊपर सेम साइज़ का मैंने और एक सॉफ्ट बोर्ड से ऐसे ही रिंग मैंने काट लिया है, और उसमें मैंने लेसेस लगा दिया है। और यहाँ पे और एक सॉफ्ट बोर्ड का छोटा इसके अंदर में जो फिट हो जाए ऐसे ही साइज का मैंने काट के इसको भी ऐसे रखा है, सॉफ्ट बोर्ड का एक पीसेस। तो इसको हम लेसेस लगाएंगे। पहले ऐसे ही ये सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर ग्लू कर लेंगे, और फिर लेस को ऐसे रख के और इसको कवर करते जाएंगे ऐसे ही। ऐसे ही हमें पूरा इस रिंग को अच्छे से कवर कर देना है। तो ये देखिए पूरा गोल्डन कलर का बन गया है। ऐसे ही पहले इस वाले जो बड़ा वाला रिंग को पहले मैंने ऐसे ही लेसेस से इसको भी पूरा कवर करके रखा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ फ्लावर लगाएंगे इसीलिए। तो ये अब जो इसके ऊपर जो फोटो फ्रेम जो पहले बना के रखे हैं उसके ये जो पतला वाला पोर्शन पे ये हम फिट कर देंगे ग्लू से। देखिए मैंने ये लेस जो है, लेसेस वाला जो रिंग है, इसको वो जो पतला वाला रिंग के ऊपर मैंने सेट कर दिया है। ये अच्छे से मैंने ग्लू कर दिया। जो ये गोल्डन वाला रिंग है इसको भी हम ग्लू लगा के और इसके बीच में ऐसे ही सेट कर देंगे, ऐसे ही सेट कर देंगे। इस जो गोल्डन रिंग का हमें साइड से ही ग्लू लगाना है, क्योंकि ये जो बड़ा वाला रिंग के ये जो साइड से इसको हमें इसके साथ सेट करना है। देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें लगाने के लिए हमें चाहिए फ्लावर। तो ये मैंने छोटा सा एक कार्डबोर्ड का पीस यहाँ पे रखे हैं, और इसको हम ग्लू करेंगे। और जो ये पिस्ता शेल्स हैं इसको हम इसमें फिट करेंगे। देखिए ऐसे हमें ग्लू से इसको चिपका देना है, और इसके बीच में और एक ऐसे मोती इसके ऊपर से सेट कर देना है। अब पहले हम यहाँ पे ग्लू लगा के ये फ्लावर को चिपका देंगे बड़े वाले को। अब हम कुछ पत्ते को कलर कर लेंगे। मैं यहाँ पे पत्ते का कलर ग्रीन ही रखूंगी, तो ये ग्रीन के साथ बहुत अच्छा मैच जाएगा। देखिए ये जो छोटा वाला फ्लावर बनाई थी मैं, ये बड़े वाला फ्लावर के ऊपर में ऐसे इसको सेट कर देंगे। चार पत्ते को मैंने कलर करके रखे हैं, तो पत्ते को भी मैं ये फ्लावर के ऊपर में इसको लगाऊंगी। अब दो पत्ते ऐसे हम नीचे भी सेट कर देंगे। ऐसे जो छोटे छोटे व्हाइट वाला मोती है इनको, जो ये गैपिंग वाला जो पोर्शन है इसमें हम पूरा इसको एक एक ग्लू से लगा लगा के पूरा सेट कर देंगे। अब देखिए ये मैंने सारा मोती जो है इसमें सेट कर दिया है। अब इसमें हम ऐसे ही फोटो को ऐसे ही लगा देंगे, और ये जो है एक पिस्ता का छिलका यहाँ पे हम सेट कर देंगे कि ये जो ब्लैंक जो पोर्शन है ना दिखे। और एक मैंने छोटा पत्ते को कलर कर लिया है, और इसको थोड़ा सा हल्का सा साइड से ग्लू करेंगे, और ये जो यहाँ पे हम सेट कर देंगे इसको। अब देखिए ये फोटो फ्रेम जो है एकदम कंप्लीट हो गए हैं, और ये कितना खूबसूरत दिख रहे हैं। ये बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह के भी कई बार काम आते हैं। तो मिलते हैं दूसरे क्राफ्ट के साथ।